हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ललिता तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन है पर, okay? यहाँ पर फाइंड द कॉमन फैक्टर्स 16 एंड 32 टू ओके यहाँ पर हमारे पास में दो नंबर है स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर के हमें क्या निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स ओके तो कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले स्टूडेंट्स हम इनके क्या निकालेंगे फैक्टर्स ओके okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सिक्सटीन के फैक्टर्स एंड यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम थर्टी टू के फैक्टर्स अब सिक्सटीन के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट्स सिक्सटीन के फैक्टर्स वो सभी काउंटिंग नंबर होंगे जो सिक्सटीन को पूरी तरह डिवाइड कर देंगे मीन्स रिमाइंडर जीरो बचेगा ओके एक तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 आपका कौन कौन से टेबल में आता है जिस जिस टेबल में वो आता है वो सभी नंबर जो होंगे वो क्या होंगे 16 के फैक्टर्स ओके okay, जैसे वन के टेबल में वन को अगर आप सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन तो सिक्सटीन के हमारे कितने फैक्टर निकल गए वन और सिक्सटीन मीन्स ये दो फैक्टर हमारे सिक्सटीन के आ गए मीन्स वन भी पूरी तरह डिवाइड करेगा सिक्सटीन को एंड सिक्सटीन भी ओके मीन्स रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा ओके एंड इसके बाद किस में आता है टू के टेबल में कहाँ पे आता है टू एट जा टू एट जा सिक्सटीन तो नेक्स्ट कौन से फैक्टर्स निकल गए टू और एट ओके एंड इसके बाद आप देखेंगे कि थ्री में आता है थ्री के टेबल में सिक्सटीन नहीं आता स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट फोर 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 जा सिक्सटीन नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या निकल गया फोर एंड फोर के बाद कौन से टेबल में आता है स्टूडेंट्स उसके बाद आता है एट के टेबल में एट टू जा सिक्सटीन अब यहाँ पे देखेंगे एट हमारा ऑलरेडी फैक्टर निकल चुका है ओके okay. एंड एट के बाद कौन से टेबल में आता है स्टूडेंट सिक्सटीन फिर आता है सिक्सटीन के टेबल में सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन ओके तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या निकल गए ये हमारे सिक्सटीन के फैक्टर्स निकल गए ओके यहाँ पे हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ सिक्सटीन आर वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन ओके स्टूडेंट्स एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम थर्टी टू के फैक्टर्स निकालेंगे ओके okay, तो थर्टी टू के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट्स वन इन टू थर्टी टू ओके वन हो गया एंड थर्टी टू हो गया एंड नेक्स्ट हम करके देखेंगे टू से टू को जब हम सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू ओके okay, या टू को जब हम सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा थर्टी टू एंड इसके बाद में थ्री के टेबल में आता है स्टूडेंट्स नहीं थ्री के टेबल से थर्टी टू पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा ओके okay, रिमाइंडर बचेगा इसलिए थ्री जो है वो फैक्टर नहीं होगा थर्टी टू का एंड इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स कौन से टेबल में आता है थर्टी टू फोर के में देख लेते हैं फोर एट या थर्टी टू ये फैक्टर निकल गए फोर एंड एट ओके एंड इसके बाद किस में आता है फोर के टेबल के बाद किस में आता है थर्टी टू इसके बाद आता है एट के टेबल में एट फोर जा थर्टी टू ओके एट के बाद किस में आता है सिक्सटीन में सिक्सटीन टू जा थर्टी टू एंड इसके बाद आता है थर्टी टू वन जा थर्टी टू तो ये क्या आ गए ये आ गए हमारे थर्टी टू के फैक्टर्स ओके फैक्टर्स ऑफ थर्टी टू आर वन टू फोर एट सिक्सटीन एंड थर्टी टू ओके स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स यहां पर देखे हमने सिक्सटीन एंड थर्टी टू के फैक्टर्स निकाल लिए हैं एंड लिख लिए हैं अब अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स अब हम इनके निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो दोनों में होते हैं ओके अब यहाँ पे देखिए फैक्टर्स ऑफ सिक्सटीन आर क्या आए हैं वन टू फोर एट सिक्सटीन एंड फैक्टर्स ऑफ थर्टी टू कितने है? कौन कौन से आए हैं वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू अब इनमें से कौन से नंबर हैं जो दोनों के फैक्टर हैं ओके मीन्स अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स वन वन देखिए सिक्सटीन का भी फैक्टर है और थर्टी टू का भी फैक्टर है ओके एंड टू टू को अगर देखें टू सिक्सटीन में भी है एंड थर्टी टू का फैक्टर भी है दोनों का फैक्टर हो गया ओके एंड फोर फोर भी दोनों में है एट एट भी दोनों में है एंड सिक्सटीन सिक्सटीन भी दोनों में है एंड थर्टी टू थर्टी टू नहीं है दोनों में ओके okay. तो हमारे सिक्सटीन एंड थर्टी टू के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं वन टू फोर एट सिक्सटीन ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ सिक्सटीन एंड थर्टी टू आर वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन ओके okay, स्टूडेंट्स तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं उनके फैक्टर्स निकालते हैं जितने भी नंबर हैं जैसे यहाँ पे आपके पास में दो नंबर हैं तो दोनों के आपने फैक्टर्स निकाले एंड उसके बाद में आपने इनके फैक्टर्स को लाइन में लिख लिया सीधा ओके फैक्टर्स ऑफ सिक्सटीन एंड फैक्टर्स ऑफ थर्टी टू आर ऐसे लिख लिया एंड उसके बाद में इन दोनों में जो कॉमन है मीन्स जो फैक्टर uh, दोनों का है जैसे यहाँ पे वन है वन इसका भी है इसका भी है मतलब जो दोनों में है दोनों में होना मीन्स कॉमन होना ओके okay, तो वो क्या होंगे कॉमन फैक्टर ऑफ सिक्सटीन एंड थर्टी टू आर वन टू फोर एट सिक्सटीन ये जो फैक्टर हैं ये दोनों के हैं मीन्स ये कॉमन फैक्टर है सिक्सटीन एंड थर्टी टू के नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेंगे स्टूडेंट्स ट्वेल्व एंड सेवेंटी टू तो इसके क्या निकालने हमें कॉमन फैक्टर्स तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे एंड यहाँ पे 72 के फैक्टर्स निकालेंगे ओके okay, तो 12 के कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स इन इंटू ट्वेल्व ओके एंड इसके बाद में 2 से करेंगे तो 2 सिक्स जा ट्वेल्व थ्री से करेंगे तो 3 4 जा ट्वेल्व एंड 4 से करेंगे तो 4 3 जा ट्वेल्व तो 4 हमारा पहले ही निकल गया है फोर थ्री जा ट्वेल्व सिक्स टू जा ट्वेल्व ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व तो ये क्या आ गए हमारे ये सभी हमारे आ गए ट्वेल्व के फैक्टर्स तो हम यहाँ लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व आर वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व ओके स्टूडेंट्स तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सेवेंटी टू के निकालेंगे वन इन टू सेवेंटी टू ओके अब टू से देखेंगे तो अब यहाँ पे अगर नंबर बड़ा है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे टू से आप सेवेंटी टू को डिवाइड करके देखेंगे कि टू इसका फैक्टर होगा नहीं होगा टू थ्री ज सिक्स वन टू ओके अब टू सिक्स ज ट्वेल्व जीरो आ गया तो मीन्स टू इसका फैक्टर है मीन्स टू इंटू थर्टी सिक्स टू को जब आप थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवेंटी टू अगर नंबर बड़ा है तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है ओके ऐसे ही अब थ्री से करेंगे स्टूडेंट्स थ्री इन टू अब आपको अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं थ्री से इसको डिवाइड करके देखेंगे सेवेंटी टू को थ्री टू जा सिक्स माइनस हुआ वन टू थ्री फोर जा 12. ओके okay, तो ज़ीरो आ गया देखिए तो ये तो इसके साथ वाला है स्टूडेंट्स ठीक है तो कितना आ गया थ्री को जब हम ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवेंटी टू ओके स्टूडेंट्स आप फोर से करेंगे तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आप करके देख सकते हैं फोर इन टू फोर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी सेवेंटी टू आएगा तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं फोर वंजा फोर थ्री एटीन ओके okay. तो फोर एट जा थर्टी टू आ गया तो जीरो आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स ओके तो फोर इंटू एटीन इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको करते जाएंगे फन नहीं होगा स्टूडेंट्स रिमाइंडर बचेगा फाइव वन जा five, two, two. Five जा ट्वेंटी देखिए रिमाइंडर बच गया मीन्स फाइव जो है वो फैक्टर नहीं है किसका सेवेंटी टू का ओके okay. तो अब सिक्स से करके देखेंगे सिक्स इंटू ट्वेल्व सिक्स सिक्स को जब ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवेंटी टू ओके एंड इसके बाद में कौन सा आएगा सेवन से होगा सेवन में नहीं आएगा स्टूडेंट्स सेवन क्या है फैक्टर नहीं होगा सेवेंटी टू का एंड इसके बाद में एट एट नाइन जा सेवेंटी टू ओके फिर एट के बाद में नाइन नाइन एट जा सेवेंटी टू अब देखिए नाइन हमारा ऑलरेडी निकल गया है तो हमें इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो नाइन एट जा सेवेंटी टू नाइन के बाद में ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स सेवेंटी टू मीन्स ये जो हमारे आ गए ये सभी हमारे फैक्टर्स आ गए किसके सेवेंटी टू के ओके okay? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर नंबर बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं अगर रिमाइंडर ज़ीरो बच रहा है तो मीन्स वो नंबर उसका फैक्टर है अगर रिमाइंडर कुछ नंबर बच रहा है तो मीन्स वो नंबर उसका फैक्टर नहीं है जैसे यहाँ पे देखिए फाइव जब हमने सेवेंटी टू को फाइव से डिवाइड किया तो क्या आया रिमाइंडर हमारा टू बचा तो मीन्स फाइव जो है वो सेवेंटी टू का फैक्टर नहीं है बड़ा नंबर होने में स्टूडेंट्स आप ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं ओके तो इसके हमारे कौन कौन से फैक्टर निकले हैं वन टू थ्री फोर एट नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स एंड सेवेंटी टू ओके स्टूडेंट्स तो ये हैं देखिए स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर ऑफ ट्वेल्व वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व एंड फैक्टर्स ऑफ़ सेवेंटी टू आर वन टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स सेवेंटी टू तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व एंड सेवेंटी टू आर देखेंगे इनमें कौन कौन से कॉमन है जो दोनों में है कॉमन मतलब जो दोनों में है ट्वेल्व में भी है एंड सेवेंटी टू में भी है मीन्स ट्वेल्व का भी फैक्टर है एंड सेवेंटी टू का भी फैक्टर है तो यहाँ चेक करेंगे वन वन दोनों में है देखिए टू थ्री फोर सिक्स ओके देखिए एट यहाँ पे नहीं है ट्वेल्व का फैक्टर नहीं है एट नाइन भी नहीं है ट्वेल्व का फैक्टर एंड ट्वेल्व ट्वेल्व क्या है दोनों का फैक्टर है ट्वेल्व का भी फैक्टर है एंड सेवेंटी टू का भी फैक्टर है एंड इसके बाद में ये कोई नहीं है तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व एंड सेवेंटी टू आर वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व ओके तो ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे ये कॉमन फैक्टर्स हैं ट्वेल्व एंड सेवेंटी टू के ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले क्या करेंगे उन नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे फैक्टर्स लिखने के बाद में आप उनके क्या करेंगे चेक करेंगे कॉमन फैक्टर ओके कि जो दोनों में हैं वो उनके कॉमन फैक्टर होंगे ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स Thank you for watching. Bye bye.